कम प्रिंट दे देंगे, इंटर। तो गाइस ये प्रिंट है, ये जो मैंने बैंड टैटू का निकाला है ये देखिए कैसे कर्व में है। तो ये कर्व कैसे करना है फोटोशॉप में वो भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है, कि कैसे करके कर्व करना है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसको स्टेंसिल कर लेते हैं। हाथ मत हिलाना तुम भाई, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी भाई। ये छापना ही तो बड़ा सिरदर्दी का काम है। चलिए दिखाओ तो मैंने यहाँ से हुआ ना ऊपर नीचे, तो गाइस स्टेंसिल देखो हमने लगा दिया है और मैं नीडल यूज़ कर रहा हूँ 5RL। लाइनिंग करूँगा मैं पहले, लाइनिंग के लिए मैं 5RL यूज़ कर रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना गाइस तो आपको पता चलेगा ये जो गैलेक्सी और प्लस त्रिशूल टैटू है बैंड ये कैसे बनाया जाता है, ठीक है। बहुत डिफ़िकल्ट है ये टैटू, तो इसको ध्यान से देखना गाइस, ठीक है, वीडियो को, तो आपको पता चलेगा कि इसको बनाएंगे कैसे करके। ये एक कस्टमाइज टैटू है वैसे तो, ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना गाइस। और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं गाइस आपको टैटू से रिलेटेड, ठीक है। और टैटू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कमेंट में, तो गाइस वीडियो को पूरा देखना। लाइनिंग करते टाइम आपको ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है, बहुत आराम आराम से ही करना है लाइनिंग, ठीक है, क्योंकि लाइनिंग अगर इधर से उधर हो गई तो टैटू ख़राब हो जाएगा, यह आपको पता ही होगा गाइस, ठीक है। तो लाइनिंग बहुत आराम आराम से करनी है आपको। ये जो टैटू बना है ना, ये वाला बैंड वाला, इसी मशीन से बना था ये, जो बंदे बनवाने हैं तो। इसी मशीन से बना, और अब दोबारा भी इसी से ही बन रहा। कहते ये मशीन कॉइल वाली जो होती है ना, ये सबसे बेस्ट मशीन होती है, क्योंकि ना इससे साउंड से पता करते हैं हम लोग कितना पावर चल रहा है इसका, और उस मोटर वाली में ना उसमें पता नहीं कर पाते कि कितने पावर में चल रहा है, वो हमें वही बताएगा, वही बताएगा। और बाई चांस कभी वो सप्लायर ख़राब हो गया और उल्ट पुल्ट नंबर बता रहा है तो कैसे पता चलेंगे, इसमें हमें पता चल गया था साउंड से कितने पावर। हाँ बस ये हिसाब किताब है इसका, इसको पावर सप्लायर के नंबर से कोई मतलब नहीं। पहले बार जब सुई घुसा था तब लग रहा था, अब उतना नहीं लग रहा।
जब नस के ऊपर से जा रहा है ना तब थोड़ा तो तेरी तो नस भी दिख नहीं रही है। कुछ भी नहीं होता भाई, वो नस बस कहने की बात है, नस बस के अंदर कुछ नहीं जाता। हम लोग उतने स्किन में डालते ही नहीं है कि नस तक पहुँचे। वो बना रहा हेलो, बोल दो बज जाएंगे, बना रहे हैं अभी स्टार्ट हुआ है। हेलो मशीन खराब हो गया, अभी स्टार्ट हुआ है और मशीन खराब हो गया तो मशीन सही कर, खराब हो गया तो मशीन सही खराब कर दो तो यार। अभी तो 2.5 घंटे लगेगा इसमें बनने में। अरे हेलो हेलो, पता है टाइम लग गया है यार, दोस्त का टाइम तो बनाना है भाई का। 1900 रुपये कर रहा हूँ, कर रहा हो रहा है दर्द? नहीं उतना नहीं हो रहा, उतना नहीं हो रहा। सांडा भाई कह रहे थे रोटी भी दर्द झेल लेगा, कौन सा जवान है। जय बप्पा की बोला। जो तुम्हारा टैटू बनने में भी भाई बोला मिटेगा तो नहीं? अरे नहीं मिटेगा यार, मिटेगा तो है ना, तुम्हारा रखा हुआ है ना, छाप देंगे फिर से। तुम थोड़ा और जल्दी आ जाते भाई। कितने बजे आए हम? 8, 8:30, 9 बजे करीब आए। हाँ 9 बजे करीब आए हो तुम, स्टार्ट 12 बजे हुआ। 9 बजे में आधा घंटा तो भाई तुम्हारा फूकने फाकने में ही हो गया, उसी में चला गया। सबसे बड़ा तो यही हुआ है ना भाई, इसी का हुआ है चूड़ा सबसे बड़ा, चूतिया काट दिए।
भाई बड़ा गुस्सा आता है जब ऐसे टाइम पे ना ये खराब हो जाए ना। जैसे कावड़ में मेरी बाइक खराब हो गई थी, पता है कहाँ पे, जहाँ पे इतनी बारिश हो रही है। हाँ भाई वो तो किस्मत की बात है, जिधर खराब हुई उधर ही मैकेनिक था। किस्मत इतनी अच्छी थी, क्लच प्लेट फूक दी, फूक गया था मेरा क्लच प्लेट। हाँ बाइक का क्लच प्लेट फूक गया था, उसके वजह से दिक्कत आ गई थी भाई, बाइक बंद पड़ गई। अब भाई बाइक आगे कैसे जाए, वो तो दो कदम में चला, धकेलते धकेलते मिल गया मैकेनिक, वो भी इतने तगड़े बारिश में भाई, इतनी बारिश ना कि चेहरे पे बारिश चुभ रही है। अरे भाई वहाँ की बारिश ऐसी होती है, मुझे पता है, चेहरे पे चुभ रही थी बारिश, हालत ख़राब हो गई थी। एक तो मतलब कल शाम को 6 बजे चला था, पूरी रात बारिश में भीगा, फिर अगले दिन सुबह बारिश में बाइक खराब हो गई। और भी जने थे, हम थे 7 बाइक थी जिनमें, ठीक है, हमको स्कूटी और हमारे स्कूटी जाते होते सब में पीछे, बहुत पीछे, हम 65 की स्पीड में जाए पूरा पूरा जी, 90-100। अच्छा तुम्हारे दोस्त वो सब, हाँ बाकी हम स्कूटी पे भाई 65 की स्पीड ही गई लास्ट में, ठीक है। और भाई उससे बंदे हमसे बहुत आगे पहुंच गए, और आखिर में जाके हरिद्वार के पास हमसे मान लो हरिद्वार से 10-15 किलोमीटर पहले वो फंस गए तगड़े वाले जाम में, और वो जाम हमने पता नहीं कैसे कैसे करके हमने पार कर लिया हम दोनों ने, और हरिद्वार में जाके कम 3-4 घंटे से ज़्यादा लेटे रहे, वो बंदे अभी तक पहुँचे नहीं। खड़की पौड़ी है वहाँ पे जाके हम भाई लेट गए, हम भाई थके रहे रात भर के निकले, हम लेट गए यार, हमने सोचा अब अगले दिन जले, हम यहाँ से 13-14 बजे चलते हैं मेरे हिसाब से पिछली बार, तो हमने अगले दिन का सोचा कैसे जाएं यार, आए भाई बस जल भर के नहा धो के थोड़े में जाएंगे। सोचे हैं कि स्कूल के बंदे थे जो हमारे, और भी मेरे तो के बाद गाँव के भाई के दोस्त दोस्त भी गए हुए थे, ठीक है, तो हमने मुझे फ़ोन करा, भाभी तू भी आया हुआ है ना, आ जा फिर तू हमारे साथ, मनसा देवी होके आते भाई, उन बंदों ने भाई मेरे को इतना फ़ोन करा, फिर उनके साथ हम ना सो गए थे, हमने फिर वो दोबारा फ़ोन मिलाया, हमने बोला कि आ जाओ, और जिन बंदों के साथ हम गए वो पहुँचे नहीं अभी तक भी। अच्छा हम मनसा देवी गए भाई, जो हमको मिले हमारे मेरे उधर के ही हैं गली में रहता है, उनके साथ में गए मनसा देवी से, गए भाई गए मनसा देवी दर्शन वर्शन करा, शाम तक नीचे उतर लिए, ठीक है, नीचे उतर के आए, और भाई आते आते में फिर रात हो गई 6-7 बजे, 6-7 बजे हम सब ने गाड़ी वाड़ी निकाली, फ्लाईओवर पर चढ़े, और आते वक्त भाई जाम मिला ना, अरे भाई जाम की तो बात है ना भाई, एक फायदा मुझे ऐसे ही रहता है यार कि बंदे को भी तुम्हें ऐसे जाम लगे ना कि तुम गाड़ी कुदा के भी नहीं जा सकते, तो गाड़ी के साइड में ला के लेट के आराम आराम कर लो, ये रहेगा, अगर तुम जाम में घटर घटर भड़ 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 कर फंस गए और दिमाग और खराब होता है, और तुम्हारा नींद का नींद ये जाम तुम्हें लग रहा है कि दूर तक देखो भाई, कम से कम भाई चक्कर भी आ जाते हैं गर्मी के मारे, भाई इंजनों की गर्मी लग रही है, ठीक है, गर्मी के मारे ना चक्कर आ जाते हैं, ये चीज हुआ है ना मेरे साथ, मेरी हालत ख़राब हो गई थी, ठीक है। वो भाई हम जिन बंदों के साथ में गए थे यहाँ से, जो हम वो मिले नहीं थे हमके, हमको तो हमारे भाई भाई के दोस्त थे, वो भी 3-4 गाड़ी थी कम से कम, तो उनके साथ ही हम आ गए, भाई वो बंदे तो आए नहीं, फोन भी नहीं उठा रहे बंदे जिनके साथ हम गए थे, ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने के साथ निकल गए थे 7 बजे, भाई इतना जाम कहाँ मिला था ना यार, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, हरिद्वार से जाते वक्त तो मान लो हरिद्वार से कितना पहले हो, वही उतना ही होगा 15-10 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा, नाम भूल गया मैं, रुड़की की तरफ भाई, ठीक है, रुड़की में ही तो मिलता है भाई, मैं बताता हूँ, ये हाईवे है, ये 4 लेन हाईवे है, ठीक है, और नीचे कच्चा रोड, हाँ कच्चा रोड, ठीक है, नीचे कच्चा रोड है, ऐसे ढलान दे जाता है, ओ भाई हम कच्चे रोड पे घुसे, और ऊपर से कीचड़, स्कूटी वो भी ऊपर से, ठीक है, और उस कीचड़ में से कैसे निकाल लेते उनके, कैसे कैसे हम करके तगड़े वाले जाम में फंसी गए, ठीक है, फंसने के बाद भाई बंदे भाई बैठे बैठे नींद आ रही गाड़ी पे, मैं उतर के इधर उधर टहलने लग गया, और
मैं जा रहा हूँ, कोई मेरा दोस्त जा रहा है, हम थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ाते रह रहे जाम में से थोड़ा 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 थोड़ा, बहुत बंदे तो लेके साइड में से कैसे कैसे करके सो रहे हैं खड़े करके रास्तों में, हार से लेकर पता है यार, मैं तो ये सोच रहा था मतलब खड़े खड़े थार में तो कितना डीजल फूक रहा होगा उस टाइम पर। मैंने क्या करा भाई, मैंने क्या सीरियस दी और मैं अपने दोस्त को छोड़ गया वहीं पर, मैं ऐसे सिगरेट विगरेट पी के आता हूँ। फिर भाई देखो ऐसे चल के तो लेके बैठ नहीं सकते सिगरेट, कुल्ला उल्ला करने गया, पानी हम पे था नहीं तो वहाँ पे टंकर, भाई तुम जानते हो भाई इतने डंपर खड़े हुए भाई वहाँ पे, वहाँ गया मैं अंदर अंदर थोड़ा एक पानी लगा हुआ था उसमें डंपर में, उसमें से पानी लेके कुल्ला उल्ला करके, फिर मैंने देखा यार अभी भी जाम लगा पड़ा है, तो मैं आगे जाके डीजे वाले के उधर एक टंपो में बैठ गया उसी रास्ते में, जैसे मेरे दोस्त पीछे है मैं उसके आगे आगे बैठ गया थोड़ा। अच्छा देख रहा हूँ धीरे धीरे गाड़ी जाम साफ हो रहा है, जाम साफ हो रहा है, नींद ऐसे आ रही है टंपर में बैठे बैठे नींद ले रहा हूँ, जबकि पर ली नहीं मैंने प्रॉपर। फिर मैंने उठा, उठ के बस के पास गया भाई, गया देखा वो है नहीं, वो चला गया, वो चला गया, मैं देखा है नहीं आ रहा, गया तो गया कहाँ मैं, कम से कम भाई मान लो जाम पता है यहाँ से बहुत कड़ा जाम था, तो मैं बताऊँ भाई पुतकर का वास्ते लेके यहाँ से कालका मंदिर तक तो मुझे दिख रहा था। हाँ पता है, पता है मुझे भाई, मुझे दिख रहा था और उससे कितना आगे तक कितना जाम, पुल में जाम लगा था ना, डाक वाले सारे थे भाई, डाक वाले कैसे कीचड़ में भाग रहे हैं मैं देख रहा था। और भाई मैं फिर क्या करा, मैं देखा यार वो है नहीं, कम से कम मान लो कालका मंदिर से लेके मैं अपने पुतकर के वास्ते तक मैंने उसके तीन चार चक्कर लगाया रास्ते के, देखते देखते दीपक घोड़े दीपक घोड़े चिल्लाते रहा, मेरे को मिला नहीं, तो मेरे मोबाइल में चार्ज दी और फोन में टावर भी उधर ठीक है। फिर भाई मैं बहुत देखा, फिर मैं एक डीजे पे गया ठीक है, मैं बोला भाई बोले एक काम कर दो, मेरा बोला है ना थोड़ा बिछड़ गया तो माइक पे साउंड लगा दो, आवाज़ में अगर हुआ तो हाथ पर दिखा दे, वो डंबू वाला यार उसने बजा रखे थे डीजे भाई, डाक के ऊपर इतने वहाँ पर बंदे लेटे पड़े हैं, मैं सोच रहा हूँ मैं जाऊँ तो जा रहा हूँ मोबाइल रखे भाई, मैं उनके बीच में ऐसे ऐसे बैठ गया उधर डाली की तरफ ठीक है, और भाई मैं बैठे बैठे नींद ले रहा थोड़ी थोड़ी, मेरे फोन में 23% चार्ज हुआ था उस टाइम, तो उसने मेरे को बोला घोड़े जो मोबाइल, तो मैं देखा 30% हुआ है, मैं यार फिर थोड़ा और करवा देता हूँ, फ़ोन मिलाया मैंने 23% लेके फ़ोन मिलाया, जब फ़ोन लगा दी ऐसे ऐसे करके मैं टावर पकड़ा रहा हूँ हाथ में लेके, मैसेज भी इतनी देर देर में जा रहा हूँ वहाँ पे, मैंने तो बोला यार ये तो सिस्टम हो गया गलत, चले तो जाता मैं यार दिल्ली के कितने ट्रक आते, पर मैं वो दूसरा था अपने बंदे हैं तो भाई वो भी मेरे को मैसेज भेज रहे हैं ना, तो मेरे को आ रहा है क्योंकि मैसेज यहाँ क्या पहुँच गया धीरे धीरे। अच्छा भाई आया जिस बंदे को, जो बंदा मेरे को छोड़ गया था चला गया था ना वो, उसका फ़ोन लग नहीं रहा था ठीक है, उसका भी स्विच ऑफ हो गया, और जो मैं जिन भाइयों के साथ मैं कौन सा दे लिया था मेरे गली का वो ला लो, उनमें से मेरे भाई हैं बड़े, उनने फ़ोन मेरा उनका लग गया था, उनसे मैसेज मैसेज में बात कर रहा था, कॉल पर लग नहीं रही थी, मैंने मैसेज मैसेज में बात करते 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 भाई उन्होंने मेरे को बोला एक काम कर बॉबी, तो यहाँ ऐसे ऐसे यहाँ आ जाओ पार करके फ्लाईओवर के सामने इस होटल के इधर दो। अच्छा और भाई मैंने फिर बोला यार बोले थोड़ा 5 मिनट और चार्ज में लगाओ, चार्ज में लगाने के बाद मैं भाई लेके निकला भाई, मैं गाड़ी होकर पता उसने क्या करा था, मेरे साथ का बंदा था वो स्कूटी, पता क्या हुआ वो हुआ कि मैं तो आ जाऊँगा, जाम ऐसे था रोड इधर भी था ठीक है, उसने देखा इधर टंपर पार कर करके उस वाले रोड पे ले गया दूर, हम बस को ऐसे रोड पे ढूंढ रहा हूँ कच्चे वाले रोड पे, वो फ्लाईओवर पार कर करके वो पता नहीं आगे पहुँच गया, बताओ उसे ये नहीं था कि मेरा बंदा इधर ही है वो आएगा, उसने से फ़ोन ऑन करेगा वो आया नहीं। फिर मैंने क्या करा, मैंने उनको फ़ोन मिलाया तो वो बता रहे ऐसे ऐसे बहुत इधर आ जा भाई, फिर मैंने उनको गया भाई, जो बारिश हुई ना रास्ते में मेरा ऐसा भाई मन हो रहा था मैं यार क्या करूँ, बोले तुम मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो, पत्थर बस बरस रहे हो जैसे, पूरा गीला हो गया और फिर बारिश रुक गई प्लस में हवा चल रही है, और मेरे को जैसे जैसे भाई ने हमने बताया था कि ऐसे ऐसे आइयो, फिर मैंने उनको भाई दोबारा मैं अच्छा हाँ भाई मैं ऐसे ऐसे यहाँ आ गया, ये होटल का नाम भी नहीं पढ़ पा रहा मैं भाई चली में, फिर भी मैंने बताया नाम बोला तू अभी मेरे को लोकेशन सेंड कर भाई, इतने बार लोकेशन सेंड करी उसमें से एक दो बार गई हम पे क्योंकि जा ही नहीं रही है। अरे भाई नेटवर्क अब लग रहा है, अब उधर जा रहा है ना, अब लग रहा है तो भाई ताजे ताजे में अब लगेगा थोड़ा उस टाइम थोड़ा वैसे ठीक है। तो भाई वो उनको कम से कम मैंने 3-4 बार बोला तब वो आ ही रहे थे, कह रहे आ रहा हूँ अभी तो रुक, मैं रुका आ रहा हूँ, वहाँ खड़े खड़े फिर बारिश होने लगी,
खड़े खड़े में बेच के मैं अपने छुपूंगा जाके, वो मेरे को ढूंढने आएंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, वो क्या करेंगे फिर। ये भी है। मैं रोड पे खड़ा रह गया और फिर तुम दोबारा बारिश रुक गए इतनी तेज बरसने के बाद। बारिश रुकने के बाद फिर क्या हुआ भाई, वहाँ पर कम से कम मेरे से खड़े खड़े बंदे कितने बोले आ गए, डाक कवर वाले बोले मेरे रिकॉर्ड मिला दो, मैं बोल रहा हूँ घोड़े मेरे खुद नहीं मिलता, मैं खुद अलग हो गया। फिर उन्होंने मैं चल लो घोड़े तब भी कर लो तुम कॉल, ना भाई चली उनके भी कॉल नहीं लग रही है, क्या रहा यार घोड़े बोलियो अगर फ़ोन आएगा इस नंबर पर के ऐसे से ये विशाल बोले ऐसे से अलग हो गया। वो कह रहे हो डाक वाले कावर ले गए वो भी अलग हो गए गुंडा मास्टर बोल टैटू बना रहा। हाँ दादा मैं वो टैटू बना रहा है देखोगे देख लो भाई बेचारा दर्द ले रहा देख लो देखो मेरा बॉस कलेक्टर ऊपर ठीक है। उनके साथ के जो हमारे और भी भाई थे वो है ना आगे चले गए, हम रह गए पीछे, हम तीन बंदे स्कूटी पे। हम भाई जब जा रहे थे डिवाइडर खुदा खुदा के गाड़ी लेके, भाई वही है भाई वही कर रहा है। हाँ यही है, अगर तुम वहाँ पे इधर जा रहे बाइक लेके, भाई तुमने डिवाइडर खुदा दिया तो तुम पहुँच गए जल्दी बढ़िया से। हाँ अगर नहीं खुदा पाए तो तुम वही रह जाओगे। हाँ ये तो सही है फंसे रहे भाई, मैंने इस बार चार बार डिवाइडर खुदवाया चार बार। वही है हम किसी का खुदवा रहे कोई हमारा भी खुदवा दे रहा साथ में, यही हो रहा है। वो तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगी पता है क्यों, डिवाइडर खुदवाने में। अब उसके बाद हमने भाई उनके साथ बैठा। अच्छा पहुँचे आधे रास्ते में देखा तो भाई हमारे साथ के मेरे पीछे जो वो दो जने थे तो तुम्हारे साथ वाले तुम्हें फिर लास्ट में मिले कहाँ पे? जो जैसे साथ वाले नहीं थे जैसे वो ही है भाई, जो हम पहले गए थे हमें जो जने वो हमारे साथ कोई नहीं आया। अच्छा वो मिले भी नहीं हमें इस दौर में, तो जाते वक्त थे जो साथ में आधे रास्ते तक वो अलग निकल गए, वो पीछे रह गए हम पहुंच गए थे पहले। अच्छा। तो वही है हम आधे रास्ते गए तो हमें मिले नहीं, हरिद्वार पहुँच गए। हमारे दौर में कितने देर बैठे रहे उनके लिए, वो कह रहे हमें टाइम लग जाएगा हम अटके रह गए, पर हमने भाई हम अटके रह गए यार हमें तो भाई दर्शन कर लेते हैं चलो। हमारे जो वहाँ के बंदे थे नीलकंठ गए थे, नीलकंठ नहीं जा पाए वो बंद हो गया था यार उस टाइम पर, वो तो बंद है भाई। जो हमारे जो जिनके साथ में आया ना वो सब होके आ गए थे, जैसे ना दो तीन दिन पहले गए थे वो, तो वो तो भाई घूम के आ गए थे नीलकंठ, तो वो हरिद्वार में थे तो बोला चल वो भी आज मन से भी चल। हाथ में चलाओ चले गए सेठ कुमार ही कराऊंगा भाई। अभी तो लाइनिंग हो रही है तो हाथ काप रहा है तुम्हारा लाइनिंग में आपने चला
शेडिंग में जितना मर्जी ला लेना, कोई दिक्कत नहीं। झटका नहीं मार रहा, भाई को देख रहा है वो वाइब्रेटर लेकर हाथ में इतना वो कर रखा है टेबल के। पता है कितना वाइब्रेट होता है, पकड़े के देखेगा। मुझे तो कह रहा देख, ऐसे एक बार हाथ में लेके देख कितना भारी है। हाँ देखा वो, उसको मैंने उठाया था, उससे ज़्यादा भारी है। और ऊपर से इतना वाइब्रेट करता है। कितने साल हो गए टैटू बना तू? तीन साल सीखने में भी तो लगा ना भाई टाइम। तीन साल से थोड़ी की धड़ाधड़ एक बार में बनाते ही जा रहा था, तीन साल में सीखा भी तो है, तीन साल में हाथ भी तो साफ हुआ है भाई। ये काम बड़ा रिस्की काम है, पेड़ों के डिजाइन में थोड़ा सी चीज़ बना रहे हैं। पेड़ तो देखो भाई नॉर्मली ऐसे ही है, जब सब चीज़ बन जाएगी ना तो सारी चीज़ें अच्छी लगती है देखने में बनने के बाद। पेड़ है ना ये सूखे हुए पेड़ है, और कार्बन की वजह से फिर वो करंट पकड़ नहीं पाता। और क्या करे तुम्हारा गाँव में,
भाई इतने छोटे छोटे प्लैनेट हो रहे थे क्या? हाँ भाई पूरा दुनिया छपा लिया मैंने अपने हाथ में। अब जिंदगी भर इसको देख रहे ना भाई, बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी जैसे एक दो साल हो जाए बाद में कोई प्रॉब्लम हो? नहीं भाई। इस बार कौन सी प्रॉब्लम? नहीं कोई इंफेक्शन में इंफेक्शन नहीं नहीं यार, इंफेक्शन जो होना है अभी होगा, एक दो साल बाद जो होगा ना अगर कुछ भी होता है तो तुम्हारे रिश्ते होगा कि तुमने कुछ खाया, एलर्जी हो गई, ठीक है, जो होना होगा अभी होगा इन्फेक्शन वगैरह। पूरा बनने के बाद एक दो साल बाद थोड़ी होता है भाई इन्फेक्शन, मतलब होना तो अभी होगा नहीं तो नहीं होगा। हाँ एक दो साल का कोई चक्कर नहीं कि एक दो साल बाद कुछ होगा। क्या देख रहा है तू इधर उधर? छापने वाले क्या? अच्छा इधर घूमने में दिक्कत होगा, उधर तक जाएगा नहीं ना। बिल्कुल रहा मीठे मैं पैर पे लग रहा था मीठा है भाई। हाँ मीठा होगा इन चलो चक्के के देखना होगा पेट तो मतलब बाहर आ गया। किसके बाहर आ रहा है किसके नहीं आ रहा पता चल रहा भाई वो कुछ और बोल रहा है। हाँ भाई पता मेरे को जी वीडियो की बात कर रहा है ना देख के डर गए। बड़ा गंदा चीज है यार दारू वारू मत पीना भाई। हमारे दोस्त यार जिंदगी भर में ऐसे नहीं करेंगे कर दिए थे पता है। वो लोग इसमें थोड़ी ना कर रहे थे, तो वीडियो बना रहे थे, उसने खुद मुंह से अपने बोला है कह रहा मैं वीडियो बना के बेच सेल करता था। अरे वो बंदा था ना इसके उसने करा था। वो हाले वो बंदा नहीं करवाता उसने जब उसको आगे में कुछ खिला कर कराया ना भाई लग रहा नहीं भाई उसके वीडियो में उसके खुद ने बोला है तो भाई मैं पैसे के लिए ये किया है
वो बंदे ने हाँ मतलब जो वीडियो शूट का ना वेबसाइट में, तो ये वीडियो देख रहा था तो इनको एक एक वीडियो पे 10,000-20,000 करके मिलता। बंदा भी ये मतलब तुम्हें ये जो है ना जो दारू पी के किया तो ये इंसेशन दिया है तो ये वीडियो वायरल हो गया। तो वो तो जेल में होगा अभी वो नहीं जेल में नहीं है बाहर आ गया बाहर ही है वो जेल में। अम्मा वहीं पर आ जाऊंगा। भाई काली वाला मत चला, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना तो वीडियो में तो बंद कर देना फोन। वीडियो में मैं साउंड वो नहीं डालूंगा ना क्योंकि कॉपीराइट आ रहा है ना भाई, 2-3 वीडियो में आ चुका था मेरा। आवाज़ पूरा कट कर देते इसलिए अब मैं आवाज़ कट नहीं कर रहा हूँ ना। वीडियो वाले में भी आ गया था भाई, फिर मैंने वो उस पर जाके यूट्यूब में जाके कॉपीराइट का जो कॉपीराइट तो अरे लगाता हूँ भाई, फिर भी पता नहीं गूगल पे अंडरस्टैंड डाला हुआ है बंदों लोगों ने कॉपीराइट वाला सॉन्ग लगाता हूँ तभी भी कॉपीराइट आ जाता। झूठ झूठ बोल के अपलोड कर देते हैं ये कॉपीराइट सॉन्ग है इसमें कॉपीराइट नहीं लगेगा ये वाला लगाओ। ठीक है उन लोगों के उनके आईडी से बस डाउनलोड होने से मतलब हमें लगा लो कैसे लग रही है इस बार हो रहा है भाई 900 गुजरे एक बार में ब्लड निकल गया। तो गाइस फाइनली हमारी लाइनिंग ख़त्म हो गई है और हम अब शेडिंग कर रहे हैं फिलिंग कर रहे हैं जो बैंड है उसके दोनों तरफ एक थिक बोल्ड लाइन है ब्लैक, तो हम पहले उसको कवर करेंगे उसके बाद देन हम जाके शेडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस। ठीक है तो पहले हम इसको कवर करेंगे और ये कवर गाइस फिलिंग के लिए मैं 9RS यूज़ कर रहा हूँ 9RS निडल। ठीक है 9RS से मैं फिल कर रहा हूँ। एडिटिंग में करना ही क्या होता है मेरे को, ज़्यादा कुछ थोड़ी करना होता है। अब कोई वैसे थोड़ी बना रहा हूँ ब्लॉग, एडिटिंग में ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है। हमारे दोस्तों में एक का नाम खीरा था क्या खीरा
किसी के किसी बाप के नाम पर नाम रख देते हैं। हाँ बाप के नाम पे रख देते हैं लेकिन अलग अलग बहुत कुछ चल रहे हैं तो ये लाएगा वो नहीं नहीं ऐसे बोलते हैं तेरे मांस पे ऐसे लग रहा है भाई काले लहरे मिट जाते ऑटोमेटिक शेयरिंग आ जाएगी दिख रहा है लेकिन घर पे तुम्हारा कुछ हो रहा है बात काफी हो गया अगर वाले कह के बंद करते नहीं क्यों करेंगे ये इतनी तेज मशीन की आवाज़ आ रही है जाओ लिफ्ट के वहाँ तक आएगी आवाज़ अच्छे से बोलते चलते हैं अलग अलग नहीं आप भाई मतलब नहीं है किसी को किसी कोई कुछ नहीं बोलता मैं हमारे फ्लोर पे तो नहीं है भाई बाकी का नहीं बोलता इस वाले में तो नहीं बाल तो बाद में आएंगे ना भाई हैं आ जाएंगे ना बाल तो इस पे आते हैं ना बाल तो दर्द ले रहा हूँ देख क्या होता है एक दिन तो दर्द लेना पड़ेगा इतने तो है जान क्या मैं बना दे रहा हाथ बना नहीं पाएंगे तो सर दीपक का क्या होगा फिर रोड़ा बनाएगा बना नहीं देगा भाई बोलने में और एक बनवाने में बहुत अंतर होता है भाई बहुत अच्छा बहुत होता है भाई उसी को हम चक्का बोलते तो गाइज हमारी बोल्ड लाइन कंप्लीट हो चुकी है और अब हम आएंगे शेडिंग पे ठीक है बोल्ड लाइन जो है बस हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई है इसके बाद हम शेडिंग करेंगे एक्सीडेंट हो जाए उसका भी हो जाए कुछ भी उसके कमर तुम्हारे इधर बगल में हाथ इधर ही इधर इधर ऐसे टच कर दो ऐसे चल जाएगा तो गाइस स्टार्ट कर रहे हैं हम शेडिंग कुछ जगह पे मैं 9RS से ही करूँगा और गाइस मैंने कलर में हाफ़ कलर लिया है हाफ़ और हाफ़ वाटर मिलाया है ठीक है कलर में हाफ़ कलर हाफ़ वाटर मिला के मैं ये शेड कर रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो कलर एकदम लाइट है उसके बाद जाके देन हम डार्क करेंगे कलर को ठीक है तो गाइस पहले लाइट शेड करना है उसके बाद जाके डार्क करना है ठीक है तो पहले अगर आपने डार्क कर दिया ना तो फिर गाइस वो शेड वो टेक्सचर नहीं आएगा ठीक है वो फीलिंग नहीं आएगी जो ये है इसमें प्लेनेट में ठीक है जो शेडो पड़ रहा है वो चीज़ नहीं मिलेगा आपको ठीक है तो उस हिसाब से ही शेड करना है पहले लाइट फिर डार्क
ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना गाइस, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मैं शेड कर रहा हूँ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो को एंड तक देखे, आपको पता चलता रहेगा कि टैटू किस तरीके से बनाना होता है। ठीक है, बिस्लरी से किचन में फ्रिज में होगा कि नहीं पता। Thank you.
देखो मेरा आईडी कौन सा उठाया क्या क्लियर है तो चैनल क्यों नहीं खोल देता चलो क्लियर है तो चैनल खोल लेना चाहिए ना भाई टाइम नहीं मिलता यूट्यूब चैनल खोलने का बहुत वीडियो बना के डाल दिए छोटा ला भाई कर तो रहा यूट्यूब में देख रहे थे एल पे गोल लाइन पर था वो अभी ये अभी तक नहीं रहेगा ना कब तक खेलेंगे सब घंटे खेलते ही है सुबह 4-5 बजे तक गेम खेलता रहेगा और तो सोता कब है भाई सुबह शाम के 4 बजे तक सोएगा पड़े पड़े बोलता नहीं बेचारा भाई तो हल्का कलर करना पड़ रहा है देखो
तो भाइयों हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। इसका अगला चैप्टर जो बाकी का टैटू है वो डलेगा शाम को, ठीक है? तो शाम को डलेगा, बाकी वीडियो आपको शाम को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात।